हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट इन माय चैनल एसेंशन। सेवन थिंग्स डिवाइन मैस्कुलिन्स थिंक ड्यूरिंग सेपरेशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चलता रहता है डीएम के माइंड में ड्यूरिंग सेपरेशन। क्या वो अपने डीएफ को भूल जाते हैं? क्या वो डीएफ के बारे में वैसा ही सोचते रहते हैं जैसा डीएफ अपने काउंटर पार्ट के लिए सोचती है? क्या करते रहते हैं सेपरेशन फेज में डिवाइन मैस्कुलिन्स? सबसे पहले जानते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आप ही हैं जो एक डिफरेंट बॉडी में है। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो दूसरी बॉडी में आपके मैस्कुलिन्स सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और आप उनकी फेमिनिन सेल्फ को एक्सप्रेस करती हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जितना आप पर इफेक्ट करता है उसी सेम इंटेंसिटी के साथ ये कनेक्शन आपके मैस्कुलिन पर भी इफेक्ट करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट सिंस योर ट्विन फ्लेम इज अ मैस्कुलिन सेल्फ सो दे रिस्पॉन्ड टू द कनेक्शन डिफरेंटली देन अ फेमिनिन एनर्जी और अ फेमिनिन सेल्फ। यहाँ कुछ सेवन ऐसी सीक्रेट्स को जानेंगे जो सेपरेशन पीरियड में डिवाइन मैस्कुलिन्स फील करते रहते हैं। नंबर वन, ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेकर हमेशा सोचता रहेगा कि आखिर ये है क्या, किस चक्कर में पड़ गए हैं हम। उनको लगेगा कुछ तो एबनॉर्मल है इस कनेक्शन में, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने को सेफ जोन में ले जाने के लिए डिवाइन फेमिनिन से बचते फिरते हैं। चाहे डीएफ जितनी भी कोशिश कर ले, डिवाइन मैस्कुलिन्स इस कनेक्शन को रेजिस्ट करते रहते हैं। उनकी भी उतनी ही चाहत होती है, पर उनको लगता है कि अब उन्हें इससे दूर जाना ही सही है। नंबर टू पॉइंट देखते हैं, सेपरेशन फेज में डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी सेम अट्रैक्शन फील होता है, पर क्योंकि वो बहुत लॉजिकल माइंडसेट के से डील कर रहे होते हैं, सो दिस एबनॉर्मल इंटेंसिटी इज नॉट डाइजेस्टिबल फॉर देम। सो दे ऑलवेज इन द माइंड थिंक टू चेक द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन। इसलिए दूर से देखते हैं एनर्जेटिकली डिवाइन मैस्कुलिन्स को। दूर से देखते हैं मतलब उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वॉच करती रहती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को। डिवाइन मैस्कुलिन्स को सब पता रहता है, पर क्योंकि लॉजिकल माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करने की वजह से ज़्यादातर टाइम इसी सोच में लगे रहते हैं कि आखिर हुआ क्या इस कनेक्शन का, क्या ये प्यार अभी भी है या फेड हो गया। सो दे आर अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड। नंबर थ्री पॉइंट, सेपरेशन चाहे जितना लंबा क्यों ना हो, डिवाइन मैस्कुलिन्स उन हैप्पी मोमेंट्स, वो बबल फेज जो उन्होंने आपके साथ जिया था, वो बातें, वो आपका केयर करना, नर्चरिंग एटीट्यूड, वो आपका उनके लिए उनकी हर छोटी बड़ी बातों को बड़े प्यार से सुनना, वो आपका उन पर कुर्बान होना, वो सभी बातें फ्लैशबैक में डीएम के माइंड में चलती रहती हैं। Their memories about this connection remains as fresh as yours. Sign number four is intense, pure divine connection. में जब connection से जब separation में आते हैं divine masculine क्या feel करते हैं? इस intense, pure divine connection को एक normal connection जैसा समझने लगते हैं और मानने लगते हैं कि वो काफ़ी इसको मानने के लिए कि ये नॉर्मल ही एक कनेक्शन है जैसा इनके लाइफ में आज तक होता आया है, वो इस कनेक्शन को भी एक नॉर्मल कनेक्शन ही समझते हैं और मानने के लिए भी वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं। उन्हें लगता है कि ये दूसरे 3D लव अफेयर के जैसे ये कनेक्शन भी जैसे आया वैसे चला भी जाएगा और वो आपको बड़े आराम से भूल जाएंगे। इसलिए वो डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हमारे आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भूलने के लिए कोई कसर
नहीं छोड़ते। अपने दिल में ताकि आपकी याद घर न कर जाए बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए जनाब। एंड एज अ रिजल्ट अननोइंगली वाइल रेजिस्टिंग देयर फेमिनिन दे फॉरगेट दे स्टिल आर थिंकिंग अबाउट देयर डिफाइन फेमिनिन। जिसको आप भूलने की कोशिश करेंगी उसी कोशिश में आप तो और ज़्यादा याद किए जा रहे हैं उनको, है ना। इसलिए डिवाइन कभी भी किसी एक को भी ये कनेक्शन भूलने नहीं देते। एट द एंड ऑफ द डे इट्स डिवाइन फेमिनिन हु इज इन देयर माइंड। पॉइंट नंबर 4, सेपरेशन के दौरान डिवाइन मैस्कुलिन अपने काउंटर पार्ट को और दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कोई भी उनकी ज़िंदगी में आए उनको तो बस ये देखना रहता है कि कौन आपके जैसा है। सब में आप जैसी क्वालिटी उन्हें चाहिए होती है। दे वॉन्ट टू सी इफ देयर इज एनी अदर फिट फॉर देम। बट सिंस इट्स अ मैच मेड बाय द डिवाइन, बाद में जाकर उनको भी एहसास होता है कि चाहे कुछ भी कर लें इस डिवाइन कनेक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नंबर 6 पॉइंट देखते हैं, सेपरेशन के दौरान डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या फील करते हैं। ड्यूरिंग सेपरेशन डिवाइन मैस्कुलिन्स स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। गिल्टी किस बात की? खुद ही तो कनेक्शन तोड़ के भाग गए, फिर गिल्टी किस बात की? आपको जो भी कहा हो सेपरेशन के दौरान उसकी गिल्टी। और किस बात की गिल्टी? क्यों इस रिलेशनशिप में आए इस बात की भी गिल्टी। और इस गिल्टी को वो न जाने कितनी बार अपने मन में सोचते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। डीएम को लगता है जो कुछ भी हुआ ओनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ना तो वो इसको इजी वे में ले पाते हैं और ना तो इसे भूल पाते हैं। पॉइंट नंबर 7, सेपरेशन में मैस्कुलिन ट्विन को कई बार पैनिक अटैक आता है। दे लिटरली हैव अनकाउंटेबल स्लीपलेस नाइट्स। रात तो छोड़ दें, दिन में भी लगातार टेंशन लिए ही उनका बीतता है। इतना टेंशन के चलते डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादातर टाइम पैनिक अटैक फेस करते हैं, क्योंकि इतना प्यार उनको भी पता है कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए 3D में जितना भी रन करने की कोशिश करें बट डीप डाउन देयर हार्ट दे ऑलवेज हैव एन ट्रेमेंडस ग्रीफ बिकॉज दिस इज नेवर एंडिंग कनेक्शन एंड दिस इज द ट्रूथ। सेपरेशन फेज में डिवाइन मैस्कुलिन्स को आप लोग सोचते होंगे कि दर्द नहीं होता, दर्द सिर्फ डिवाइन फेमिनिन को ही होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। अनगिनत रातें उनकी बगैर सोए ही निकल जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अंदर ही अंदर इतना सोचते रहते हैं, इतना अपने मन में ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। उनको लगता है कि ये सब कुछ ख़राब हो रहा है। एक तो आपसे बिछड़ने का भी गम, क्योंकि ये सेपरेशन उन्होंने नहीं, ये सेपरेशन तो क्रिएट किया गया है डिवाइन पर्पज़ के लिए। ये डिवाइन एक ताकि आप दोनों ही अपनी अपनी हीलिंग कर सकें, इसलिए ये सेपरेशन फील क्रिएट किया जाता है डिवाइनली ऑर्डर से। वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते, डिवाइन मैस्कुलिन भी इन चीज़ों को इजीली नहीं ले पाते और कभी कभी तो बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक, हार्ट एक ये सब होता है और एडिक्शन में चले जाते हैं। वो थर्ड पार्टी एडिक्शन हो, सिर्फ आपको भूलने के लिए वो थर्ड पार्टी एडिक्शन में चले जाते हैं, वर्कहॉलिक हो जाते हैं, ओवरलोड ले लेते हैं अपने ऊपर या किसी और टाइप का एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब भी कभी कभार देखा गया है डिवाइन मैस्कुलिन्स एडिक्शन में चले जाते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स को दर्द नहीं होता और डिवाइन मैस्कुलिन्स को कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको उनका ये डिवाइनल प्लान के तहत उनको अलग होना ही है, सेपरेशन उनको उनके ओर से ही सेपरेशन होना ही है, इसलिए वो होते हैं। लेकिन जब सेपरेट होते हैं
वो भी टूट से जाते हैं, बिखर से जाते हैं। अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को आँखों में आँखें डाल के उनको देखने का हिम्मत नहीं होता। वो अपने आप को, जब सेपरेशन होता है, वो अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं एक रूम में, सॉलिट्यूड प्लेस में चले जाना पसंद करते हैं। किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, नो सोशलाइजेशन, नथिंग। तो ये कुछ सेवंथ साइन थे, सेवंथ पॉइंट्स थे, जिनसे आप जान पाएंगे कि मैस्कुलिन ट्विन, मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या सोचते रहते हैं पूरे सेपरेशन के फेज में। चाहे आपका सेपरेशन जितना ही कम या अधिक टाइम का क्यों ना हो, वो उनके दिमाग से उनकी काउंटर पार्ट कभी भी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। देयर इज अ डिवाइन कनेक्शन। वो चाहे भी, हाँ वो चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि इस कनेक्शन से भाग ले, इस कनेक्शन को छोड़ दें, इस कनेक्शन को भूल जाएं, लेकिन डिवाइन डजन अलाउ। वो कभी भी, कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल पाते। इसीलिए जैसा आप फील करते हैं 100% वो भी फील करते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट वे। तो ये था मेरा वीडियो कि क्या कुछ फील करते हैं डिवाइन मस्कुलिन्स ड्यूरिंग सेपरेशन। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा गाइडेंस दे पाई हूँ मैं, आपको थोड़ा फील आपको अब लग रहा होगा कि उधर भी उतनी ही सोचते हैं आपको जैसे आप लोग परेशान रहते हैं। लेकिन वो आपका क्वेश्चन ये होगा, फिर आते क्यों नहीं है? 100% ही क्वेश्चन होना चाहिए, इसलिए नहीं आ पाते हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप फेमिनिन जो आप हैं, डिवाइन फेमिनिन रिसेप्टिव होके ईश्वर को, आप ईश्वर का सहारा लेके आप अपने सोल को इवॉल्व करेंगे। सिमिलरली आपके काउंटर पार्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स भी ये फिक्स करके आते हैं, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो अपने कार्मा को डील करेंगे। अब वो कार्मा जरूरी नहीं थर्ड पार्टी ही हो, वो कार्मा फैमिली में माँ पापा, सिबलिंग्स या कुछ और भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, स्टडी भी हो सकती है, और वो कार्मा खुद उनकी भी सोल इवॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये था मेरा वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आप सभी का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।